हे भाईटीबीएंस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में मनाली जाने वाले टूरिस्टों के दो सवालों के जवाब के बारे में। दोस्तों पहला सबसे बड़ा सवाल है कि मनाली अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे बढ़िया और सबसे सस्ते में होटल कैसे बुक हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि अगर हम लोग मनाली जाते हैं तो वहां पे सबसे सस्ता और बढ़िया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा। तो इन दो सवाल के जवाब देने के लिए आज मैं इस वीडियो पर कंटेंट बना करके लाया हूं, जिसमें पूरी रिसर्च की जाती है, पता लगाया जाता है और जो करंट में सिनेरियो चल रहा है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं वाईटी भारत चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां पर नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, क्लिक करें, रेड बटन पर क्लिक करके आप घंटा जरूर दबाना और बेल आइकन दबा करके ऑल को जरूर सेलेक्ट करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ वाईटी भारत पर जाकर के सर्च करिए, वहां पर 220 से ज्यादा मेरे वीडियोस हैं, वो लाइव हैं। इंडिया के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में आपको फुल जानकारी हासिल प्रोवाइड करेंगे। और हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को, चलिए चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले सवाल का जवाब जान लेते हैं, वो है कि सबसे सस्ता और बढ़िया होटल कैसे आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों जब आप मनाली जाते हैं तो आप दो सीजन को सबसे पहले ध्यान में रखिए, जुलाई से लेकर के अक्टूबर, और जुलाई से अक्टूबर के बाद नवंबर से लेकर के जून, इनको दो सीजन में आप डिवाइड कर लीजिए। जुलाई से अक्टूबर होता है ऑफ सीजन, और उसके बाद आपका नवंबर से लेकर के और जून तक का होता है ऑन सीजन। तो जब आप ऑफ सीजन में जाएंगे जुलाई से अक्टूबर, तो वहां पर जाकर के आप डायरेक्ट होटल बुक कर सकते हैं माल रोड के आसपास, जो भी आपको लोकेशन पसंद हो वहां पे अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है। होटल के अंदर आप 500 रुपए तक का भी होटल अच्छा खासा बुक कर सकते हैं, और आपको जो है ऑन सीजन की बात करें तो वही होटल आपको 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक का पड़ता है। तो अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ऑफलाइन जाएं। अगर आप फ्रेंड्स जा रहे हैं तो आप ऑफलाइन ही जाएं, वहां पर जाकर के आप देख सोच समझ करके बार्गेनिंग करके बुक करिए। लेकिन अगर आप विद फैमिली के साथ जा रहे हैं, वाइफ के साथ जा रहे हैं, हनीमून पैकेज पर जा रहे हैं, तो आप हमेशा ऑनलाइन होटल बुक करके ही जाइए। और ऑनलाइन होटल बुक करने की सबसे अच्छी साइट, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो ओयो है। ओयो होटल्स के थ्रू मैं हमेशा जो है अपने होटल्स को बुक करता हुआ आया हूं। और अगर आप ओयो के थ्रू नहीं बुक कर रहे हैं तो मैं यहां पर आपको इस वीडियो में एक ट्रैवल एजेंट का नंबर भी देने जा रहा हूं, इस वीडियो के टाइटल में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर जाकर के आप ट्रैवल एजेंट को कॉल करके भी बहुत सस्ते में और बहुत अच्छा होटल बुक करवा सकते हैं कॉल पर। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग पहुंच जाते हैं नवंबर से लेकर के, और आप जून में अगर बुक करना चाहते हैं तो आप कैसे करिए। दोस्तों मनाली एक ऐसा ट्रैवल डेस्टिनेशन है जहां पर लगभग सीजन के दिनों में 350 से ज्यादा सिर्फ कपल एंट्री करते हैं मनाली में, और वो भी सिटी के अंदर। अगर आप पहले से ही बुकिंग करवा करके नहीं जाएंगे तो ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आपको अच्छी लोकेशन पर अच्छे होटल ना मिल पाए। और अगर आप वहां पर ऑफलाइन जाते हैं तो कोई मिलने की बहुत कम संभावना है सीजन के दिनों में, और अगर आपको मिल भी गया तो ऐसी जगह पर मिलेगा जो आपकी मेन सिटी से अलग होगा। मेन सिटी मतलब मनाली का माल रोड, माल रोड के आसपास ही सब कुछ जो है आपके ट्रैवल डेस्टिनेशन है, तो आपको मनाली से काफ़ी दूर मिलेगा, 5-7 किलोमीटर दूर जा करके मिलेगा। और वहां पर जाने के बाद आपका जो है जो एक्चुअल मनाली घूमने का जो मज़ा है वो आपका फीका हो सकता है, मतलब जाने का जो पर्पस था वो आपका पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे बेस्ट है आप अगर नवंबर से जून के बीच में जा रहे हैं तो ऑनलाइन बुक करके जाएं, ओयो से बुक करवा लें। ट्रैवल एजेंट का नंबर जो मैं वीडियो के टाइटल में शेयर कर रहा हूं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, अगर उससे बुक करवाना चाहते हैं तो उससे बुक करवा लीजिए, या आपका कोई अपना रेफरेंस हो उससे बुक करवा लीजिए। मतलब आप ऑनलाइन बुक करवा करके ही होटल पर जाइए, रिस्क मत लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये होटल के बारे में हो गया। ऑनलाइन तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि ओयो पे अच्छे खासे बेस्ट डिस्काउंटेड रेट्स चल रहे हैं इस साल और हमेशा चलते हुए आए हैं, तो आप अच्छे खासे डिस्काउंट में ओयो से बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल एजेंट्स भी अच्छे खासा डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनसे बुक करवा लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सीजन के वाइज, वही आपका पैटर्न है जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में अगर आप जाते हैं,
तो सबसे जो बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर आप केवल फ्रेंड्स जा रहे हैं, मतलब बॉय जा रहे हैं या फ्रेंड सर्कल जा रहा है, तो सबसे मैं सस्ता आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता देता हूं। पहला तो है आप बस बुक करवा लीजिए। आपको एक्चुअल में लोकल साइट सीन के लिए तो कुछ भी नहीं बुक करवाना। 5 किलोमीटर में सब कुछ है, वन विहार है, क्लब हाउस है, हडिम्बा टेम्पल है, और अगर आप वशिष्ठ टेम्पल जाना चाहते हैं तो 50 रुपये में ऑटो वाला आपको ले जाएगा, और 50 रुपये में ले आएगा 100 रुपये में वशिष्ठ टेम्पल आप चले जाएंगे। तो लगभग 5 किलोमीटर में ही सब कुछ है, तिब्बतन मोनेस्ट्री से लेकर के माल रोड सब कुछ वहीं 5 किलोमीटर में है। तो लोकल साइट सीन के लिए आपको कुछ भी नहीं बुक करवाना, जबकि आप अगर टैक्सी ले लेते हो लोकल साइटिंग के लिए तो वो आपको 1200 रुपये ले लेगा। तो सबसे बेस्ट है थोड़ा सा पैदल चलो, आपको वहाँ का जो लोकल एटमोसफेयर है वो भी देखने में आएगा, इन्जॉय आप करोगे। 5 किलोमीटर पूरा घूम फिर लो, आप वहाँ पर अच्छी तरह से सब चीज़ें देख पाओगे। देख दाख करके आप जो नेक्स्ट डे आप लोग घूमिए, जैसे आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए तो आपको टैक्सी ही करनी पड़ेगी। टैक्सी आपका लेती है लगभग 2200 से 2500 रुपये, जिसमें वहाँ पर जाने का परमिट भी होता है, तो परमिट की कॉस्ट वाला टैक्सी वाला अरेंज कर देगा, आपको 2500 देना ही पड़ेगा आपको। और इसके अलावा आप रोहतांग पास अगर जा रहे हैं तो आपको एक और बस का मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, एक बस का, वहाँ पर आप बस भी जो है बस के थ्रू भी जा सकते हैं। आई थिंक 50 रुपये या 60 रुपये का कोई टिकट होगा आपका, तो बस से आप जा सकते हैं। लेकिन टैक्सी मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि वहाँ से बस के वापस लौटते टाइम लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। इवन एक बार मैं गया था तो मेरे को बस मिली ही नहीं थी, वापस मेरे को किसी से लिफ्ट लेकर के आना पड़ा, तो वो सिचुएशन भी हो जाती है। इसलिए बस का आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वापस आते टाइम आपको बस मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। अब चलते हैं सोलांग वैली। अगर आपको जाना है तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप लड़के लोग हैं या फैमिली की भी अगर आप बात करें तो आप ऑटो करके जा सकते हैं। आपको मॉल रेट से ही ऑटो मिल जाएगा 650 रुपये में, आपको पूरा जो है वो सोलांग वैली घुमा करके वापस ले आएगा, और अगर आप प्लस 100 रुपये दे देंगे तो वशिष्ठ टेम्पल की भी आपको यात्रा करवा देगा। तो सोलांग वैली घूमने का सबसे सस्ता जो है वो तरीका ऑटो है, आप वहाँ पर जा करके आप घूम सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का सीन। इसके साथ साथ तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं बताता हूँ, ये है आपका बाइक। आप बाइक से रोहतांग पास भी घूम सकते हैं और बाइक से सोलांग वैली भी जा सकते हैं। बाइक का जो रेंट होता है वो लगभग 500 रुपये से स्टार्ट होता है और 1500 रुपये तक जाता है। जैसे आप स्कूटी ले लेते हैं या रॉयल इनफील्ड ले लेते हैं या आपका हिमालयन ले लेते हैं या KTM ले लेते हैं, तो उनका महंगा होता है, लेकिन स्कूटियाँ किराया उनके कंपैरेटिवली में सस्ता होता है। 500 रुपये करीब आपको स्कूटी मिल जाएगी, आप सोलांग वैली चले जाओ, रोहतांग पास चले जाओ, बस आपको पेट्रोल भरवाना है और आपको उसका रेंट देना है, डॉक्यूमेंट साथ में जमा करने हैं। इसके साथ साथ सबसे सस्ता मैंने आपको बता दिया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, बाइक स्कूटी उठाइए और चले जाइए। इसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं जब आपका सीजन आ जाता है तो फिर क्या प्रोविज़न है। दोस्तों सीजन मतलब क्या है, आपका सीजन वही है जो मैंने आपको बताया। अगर आप सीज़न की बात करें तो इसको हम फिर से कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ये सीज़न है आपका लगभग नवंबर में, आपके अगर स्नोफॉल पड़ जाती है तो नवंबर में संभावना कम होती है, 50% 60% होती है। इसके बाद दिसंबर और जनवरी या फरवरी की बात करें, मतलब नवंबर से आप फेब की बात कर लीजिए, तो आपको रोहतांग पास जाने को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इसके बाद अगर आप सोलांग वैली जाते हैं और स्नो पड़ रही होती है, रास्ता पूरी तरफ से ब्लॉक होता है और ऑटो नहीं जा सकता, तो आपको करना पड़ेगा दो ऑप्शन, या तो 4x4 की आपको कार करनी पड़ेगी। 4x4 मतलब जो स्नो में चल सकती है, जो स्नो को काटते हुए जाती है उसे 4x4 करते हैं, जो खास करके मनाली में जिप्सी ही चलती हैं 4x4 की, तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। जिप्सी का जो किराया होता है वो लगभग 3000 रुपये से लेकर के 3500 रुपये तक होता है, वो वहाँ का फिक्स रेट है, आपको वहीं से जो है यही चीज़ मिलेगी आपको मॉल रोड से। ये जिप्सी का भी अरेंजमेंट आपका हो जाएगा, वहाँ पर खड़े रहते हैं जिप्सी वाले से आप बात कर सकते हैं, वो रोज हो जाएगी। 3000 से 3500 रुपये लेते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर आप बात करें, अगर वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ी होगी तो आपको ऑटो वाला रोहतांग पास के स्नो पॉइंट तक भी ले जा सकता है, वो जैसे मैंने आपको बताया ऑफ सीजन में आपका 600 रुपये लेता है तो 700 रुपये तक ले लेगा। इसके बाद जो मैं 3000 से 3500 रुपये बताएं आपको सोलांग वैली के साथ साथ वो 2-4 पॉइंट आपको और भी घुमा देगा, जैसे वशिष्ठ टेम्पल भी घुमा देगा इसी 3000 रुपये से लेकर के 3500 के बीच में। अब चलते हैं, अगर आप टैक्सी नहीं करते हैं तो वहाँ पर स्नो स्कूटर चलते हैं, जो एलियो का स्टार्टिंग पॉइंट है मॉल रोड के पास, वहाँ से स्नो स्कूटर आपको मिल जाएगा, वो लगभग 1500 रुपये से लेकर के 1600 रुपये लेते हैं। 1500-1600 रुपये में जैसे आप एक कपल जो है उस स्नो स्कूटर पर बैठ करके जा सकता है, वही आपको लेकर के आ जाएगा। स्नो स्कूटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, और जो आपका
जो मैंने फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया, टैक्सी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको ये बिल्कुल सोलांग वैली के पास तक लेकर के जाते हैं और आप पास में जा करके आराम से वहाँ उतर करके जो है घूम फिर सकते हैं। इसके अलावा जो हम शेयर टैक्सी की बात करें, जो कुछ पैकेज वाले प्रोवाइड करते हैं, तो शेयर टैक्सी वाले क्या करते हैं, खास करके टेम्पो ट्रैवलर वाले, वो आपको 3-4 किलोमीटर पहले उतार देते हैं स्नो पॉइंट से, मेन पॉइंट से। तो स्नो पॉइंट पहले टेम्पो ट्रैवलर से उतर जाएंगे तो आप वहाँ तक एक्चुअल में सोलांग वैली तक जाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, चलते चलते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और शायद आपको बेहोशी भी आ जाए, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो -20 -29 तक होता है सोलांग वैली के आसपास जब स्नोफॉल हो जाती है। तो सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया स्नो स्कूटर कर लीजिए, उसके बाद अगर स्नो स्कूटर कब करिए, जब आप एक कपल हैं या एक छोटा बच्चा है, या अगर आप 4-5-6 लोग हैं तो उससे बढ़िया है कि आप जिप्सी कर लीजिए, सब लोगों में किराया डिवाइड हो जाएगा और आप स्नो पॉइंट सोलांग वैली तक पहुंच पाएंगे और साथ में वो आपको 2-4 पॉइंट भी घुमा देगा। तो इस तरह से आज मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप होटल को चीप एंड बेस्ट प्राइस पे बुक कर सकते हैं अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैंने आपको बताया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप किस तरह से अवेल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी जानकारी मुझसे मिस हो गई हो तो कुछ ना कुछ आप मिसिंग होने के बाद मेरे से वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।